हेलो गाइस, तो आज हम निकल चुके हैं। आज ये हमारे शूट का पहला दिन है, तो आज और मैं अपने दोस्त के पास जा रहा हूँ, शमसुद्दीन के पास। वो मुझे स्टैंड पे मिलेगा और आज हम जा रहे हैं ओल्ड फोर्ट। मैं आ चुका हूँ अपने इस रोड पे, तो बस यहाँ से ये समझ लीजिए स्टैंड कुछ 200 मीटर की दूरी पर है। अब हम टिकट ले चुके हैं। यहाँ पे टिकट के तीन अलग अलग प्राइस जैसे कि आप देख सकते हैं। ऑनलाइन टिकट आपको 20 रुपये की पड़ेगी, अगर आप काउंटर से आकर टिकट लेते हैं तो आपको 25 रुपये की पड़ेगी। अगर आप म्यूजियम के साथ साथ पुराना किला देखना चाहते हैं तो आपको 5 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, जिससे कि आपकी टिकट हो जाएगी 30 रुपये। और आज हम वीक डेज पर आए हैं, तो वीक डेज पर आने का अच्छा फ़ायदा ये है कि यहाँ पे इस टाइम पर बहुत कम लोग मिलते हैं। तो पहुँच चुके हैं पुराना किला में, जैसे कि आप इतिहास के तौर पर देख सकते हैं। पहले आपको एक सूचना पट्टी मिल जाएगी, उस पर कुछ लिखा हुआ है कि इसका इतिहास कुछ इस तरह प्रकार है कि महाभारत के टाइम पर जो नगर बनाया गया था उनके द्वारा, तो उस नगर के बाद जब मुगलों का शासन आया तो उस ही शहर पर इन्होंने अपना, हुमायूं ने दीनपना शहर बनाया था। दीनपना शहर बनाया तो उसमें किले बनाए गए। कहे जाते हैं तीन दरवाजे हैं, पहला दरवाज़ा इलाही दरवाज़ा, हुमायूं दरवाज़ा और तलाकी दरवाज़ा। ये जो आप दरवाजे देख सकते हैं ये तलाकी दरवाज़ा और मुख्य दरवाज़ा है। और इसको सिर्फ एक ही इंसान ने नहीं, इसको बल्कि कहा जाए तो तीन लोगों ने इसके निर्माण में हाथ रहा है। जैसे इसका शुरुआती निर्माण करवाया गया हुमायूं द्वारा। जब शेरशाह सूरी ने हुमायूं को एक बैटल में हरा दिया था, तो उसके बाद शेरशाह सूरी का जब शासन दिल्ली में आया तो उसके बाद उसने यहाँ की कुछ इमारतों का निर्माण भी करवाया। अगर आपको इस नज़ारे को देखकर या इस लोकेशन को देखकर कुछ याद आ रहा है तो आप याद कर सकते हैं कि जो फना मूवी आई थी उसमें जो गाना शूट हुआ था आमिर खान का दिल्ली टूर में, तो इस लोकेशन पे उनको एक गाने का एक सीक्वेंस आता है। हम पुराने किले में एंट्री कर चुके हैं, आप देख सकते हैं शमसुद्दीन भी मेरे साथ है। और अब हम एंट्री करेंगे और देखेंगे कि यहाँ पर ऐसा क्या नया है। और आपको यहाँ पर साइट प्लान और पुराना किला भी मिल जाएगा, जिससे कि आपको पता चलेगा कि आपको किस तरफ जाके क्या चीज़ देखने को मिलेगी। तो ये हम मस्जिद कुनाह पहुँच चुके हैं। कहा जाता है कि जब हुमायूं ने बैटल ऑफ चौसा लड़ी थी शेरशाह सूरी के साथ, तो और शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हरा दिया था, उसके शेरशाह सूरी ने जब दिल्ली में कब्जा किया उसके बाद इसका निर्माण कराया गया शेरशाह सूरी द्वारा। अगर आप लोगों ने वीर ज़ारा मूवी देखी है तो आपको इस लोकेशन को देखकर याद आ जाएगा कि यहाँ पर ठीक इसी जगह पर जब शाहरुख खान पाकिस्तान पहुँचता है और पहली बार प्रीति जिंटा से जब मिलता है तो इसी लोकेशन पर आकर मिलता है, और जो कि दिल्ली में है। और हमें मूवी में दिखाया जाता है कि वो लोकेशन पाकिस्तान पर है, पर बॉलीवुड जैसा कि आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, ये जो पीछे जगह है यहाँ पर जो इमाम हुआ करते थे उस समय के, उनके लिए जगह बनाई गई थी। इसलिए आपको पूरे मस्जिद में सबसे अलग जगह आपको दिखेगी। इसे वाइट मार्बल से बहुत ही अच्छी तरह बनाया गया है, और आप अगर आप देख पा रहे होंगे
साइड में इसके मीनार में रेक्टेंगल जो शेप है उसके अंदर अरबी में आयतें लिखी हुई हैं कुरान। अब हम पुराने किले की बावली तक पहुंच चुके हैं। में पानी को स्टोर करने के लिए बनाई जाती थी और इसमें कुल 89 सीढ़ियां हैं। आप मेरे पीछे जो इमारत देख रहे हैं इसे शेर मंडल कहा जाता है। इसका निर्माण 1541 में शेर शाह सूरी द्वारा कराया गया था। इसी शेर मंडल में एक लाइब्रेरी हुआ करती थी जिसकी सीढ़ियों से गिरकर हुमायूं की मौत हुई थी। ये ठीक शेर मंडल के सामने आप हमाम देख सकते हैं। इस हमाम में 8 कमरे हुआ करते थे और यह मुगल कालीन सभ्यता का बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा हुआ करते थे। इट मींस मुगल कालीन सभ्यता में जब मीनारें बनाई जाती थी तो हमाम का होना बहुत आवश्यक हुआ करता था। अगर आपको जोड़ों की दिक्कत है तो इस खाने में ना जाए, चढ़ने में दिक्कत हो सकती है आपको। और ठीक शेर मंडल के सामने आपको देखने को मिल जाएगा। आप लोग जो मेरे पीछे इमारत देख सकते हैं ये 2 मंजिल इमारत, इसको हुमायूं दरवाज़ा कहा जाता है। कहा जाता है कि ये जो 2 मंजिल इमारत में से 1 मंजिल इमारत जो ऊपर वाली इमारत आप देख सकते हैं ये शेर शाह सूरी द्वारा बनवाई गई थी। पहली जो मंजिल है ये हुमायूं द्वारा बनवाई गई थी और अब तो खैर ये खंडर हो गई है। इसमें सीढ़ियाँ हैं और नीचे बावली हुआ करती थी। हमारा आज का ब्लॉग ख़त्म हो चुका है और हम अब जा रहे हैं घर। और बहुत ही ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस था हमारा। बहुत अच्छा सनसेट हो रहा है अगर आप देख पा रहे हैं तो। आज का ब्लॉग बहुत थकान भरा था और अब हम थक चुके हैं, अब हम घर जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा पहली वीडियो थी हमारी, पहला ब्लॉग। कमेंट करके कुछ बताएं गलतियां जो हमारी रहीं, कुछ कमियां रहीं या किस। आप लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और बने रहें हमारे साथ ताकि आपको ऐसी और भी दिल्ली की बेहतरीन जगहों को हम दिखा पाएं। आज का ब्लॉग पूरा हो चुका है, ठीक है। अब हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में।